अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपका सीख रहे चैनल के व्लॉग पर। आई होप सब ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट माय इंट्रो। चलो तो आज आपको दिखाते हैं हमारा 3 दिन का टूर। हम गए नारायण का गान। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा 3 दिन का टूर और हम हैं गुजराती, और गुजरातियों को थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, सबको ही लगती है। मैं मजाक कर रही, कुछ ज़्यादा गुजरातियों को ही नहीं लगती बस। तो हम रुके थे इम्तियाज़ ताकि हम अपने पेट के चूहों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें और आगे जाके खाना खा सकें सही तरह से। और हमने अपने थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए स्नैक्स वगैरह ले लिए और उसका बिल पे किया। बिल पे करते हुए अटैक आया, हल्का सही, बस ज़्यादा जोर का ही नहीं आया। और उस अटैक को रोकने के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की। मस्ती की हम लोगों ने, स्टेयर्स को ऊपर नीचे हम अप एंड डाउन आए, और बच्चे भी हमें देख के हंस रहे थे कि पता नहीं इनको क्या हो गया। और फिर थोड़ी सी और मज़ीद मस्ती करने के लिए हमें टाइम दिया गया था। दरअसल कि आपने इतने टाइम में वापस आना था, थोड़ा सा टाइम रह गया था, हमने थोड़ा सोचा थोड़ी सी और मस्ती कर ली जाए। और फिर हमने लिफ्ट का इंतज़ार किया, और लिफ्ट जैसे ही फारिग हुई हम सब अपने लिफ्ट के अंदर गए। और लिफ्ट को हमने 2 से 3 दफ़ा हम ऊपर और नीचे आए, बाकी लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं आज कौन से लोग आ गए हैं जो कि आज लिफ्ट से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यही मेमोरीज होती हैं जो दोस्तों के साथ रह जाती हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारो और अच्छा सा टाइम गुजारो ताकि आप लोगों को ये याद रहे। और यही दो टाइम होता है जो कभी भी वापस नहीं आता, तो जो टाइम मिला उस पर मज़ा करो। तो हम निकल गए थे बाहर, और बाहर निकलने के बाद हमें अब ज़्यादा सा भूख लग गई है, तो चलो ढूंढते हैं अपना कोई खाने का पॉइंट जिस पे हम बैठ के खाना खा सके। तो ये हमें मिल गया है अपना खाना पॉइंट, जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाना है ताकि अब जो पेट में चूहे ना चले हैं ना उसको कंट्रोल किया जाए। और फिर कंट्रोल करने के लिए हमने किया खाने को ऑर्डर, और हमने मज़े से बैठ के खाया। और फिर हम सोने का टाइम हो गया, बाय बाय। नेक्स्ट डे फिर हमारी सुबह हुई 31/6/2024 को, फ्राइडे को। और हमने अपना सारा लडिज लजिट जो भी है, बोरिया बिस्तरा अपना समेटा, और हम लोग निकल गए अपने सफ़र के लिए। और रास्ते में मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि कैसा है हमारा पाकिस्तान। कभी कभी पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, हमेशा बाहर के मुल्कों पर ही रहना चाहिए कि हम बाहर के मुल्क देख लेते हैं। तो हम फिर पहुंचे वाटरफॉल, और वाटरफॉल में हमने थोड़ा सा मज़ा किया। और जब हमने नाश्ता करना था तो हमने तो नाश्ता करने के लिए ही आए थे तब, लेकिन हमने खुद बनाया और हमने खुद ही खाया था। और जैसे से बस बनाया तो खुद ही खाना ही था, ये तो ऐसा ही है। तो फिर हम लोग सारे गए थे अपने दोस्तों के साथ, यानी कि बॉयज़ भी थे और गर्ल्स भी थे और टीचर्स भी थी, और हम सब ने बहुत मज़ा किया था। यहाँ पे हम लोगों ने पहले फ़ोटो सेशन की, जाहिर सी बात है जब फोटो सेशन के लिए गए थे, हम लोग घूमने गए थे, फ़ोटो सेशन तो करनी थी, ये तो बनता है, ये तो हर किसी का बनता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी प्लेस थी, बहुत अमेजिंग जगह थी। इधर मैं आपको प्रिफेयर करूँगी, आपको मशवरा दूँगी कि आप जब भी आएँ इधर ज़रूर आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इधर उन्हें बहुत अच्छा व्यू बनाया हुआ है, बहुत अच्छा उन्हें सेटअप किया हुआ है कि नीचे पानी की नहरें हैं और ऊपर उन्हें सिटिंग एरिया बनाया हुआ है कि आप बैठ के खाना खा सकते हो, बातें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फिर मैं अंदर खाना खाने के बाद, फारिग होने के बाद मैं बाहर आई, और मैंने हाथ डाला पानी के अंदर और मेरे हाथ में आए पत्थर, और बहुत ही ठंडा ठंडा सा पानी था, बहुत मज़ा आया। और मैंने मेंशन कर दिया प्लेस कि ये किस एरिया में है हम लोग। और फिर थोड़ा सा अच्छा सा व्यू था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे था कि आपको दिखाना चाहिए। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा प्लेस व्यूज़ वगैरह हम लोगों ने लिए ताकि आप लोगों को भी दिखाया जा सके। पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, बाहर ही नहीं सिर्फ जाते। और फिर हामिद ने बनाई चाय, हामिद की जब हमने चाय पी तो बड़ा मज़ा आया, ताकि हम थोड़ी सी थकावट भी हमारी उतर सके और हम फ्रेश हो सके। और फिर हम लोग निकले अपने अगले सफ़र के लिए, और रास्ते में थोड़े से व्यूज़ थे जो कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान का भी टूर कीजिएगा, पहले अपने पाकिस्तान को देखें और फिर बाहर जाके बाद में बाकी मुल्कों को देखो। फिर हम लोग पहुँचे थे सरीप आया, उधर हमने थोड़ा सा रास्ते में स्टे किया ताकि हम लोग फ्रेश हो सकें, अपना जो भी हो लिया है अपना वो बेहतर कर सके, किसी को वाशिंग आए तो वाशिंग कर सके। तो मैं ऊपर आई आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए कि चलो ऊपर का भी थोड़ा सा व्यू ले लिया जाए कि ऊपर कैसा है। तो मैं ऊपर दिखाने आई कि आपको ये कैसा है, चलो देखते हैं कितना कमाल का लग रहा है ना, तो थोड़ा दूर से भी व्यू ले लेना चाहिए। चलो जी ये है हमारी पहाड़ियाँ, पाकिस्तान के माउंटेन्स। ऐसे माउंटेन एरियाज़ में ना बहुत ही सुकून आता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून आता है। अभी हम लोग ने जीप पकड़ी, और जीप से हम लोग ने अपना पहाड़ का सफ़र तय किया, क्योंकि वहाँ पे जीप ही लेनी पड़ती है, वैसे आप इजीली मूव आउट नहीं कर सकते। तो हमें जीप्स ली और जीप से अपना सफ़र तय किया, बहुत ही ऊँची पहाड़ी थी। और हम लोग ने अपना सफ़र तय करने के लिए रास्ते में हम लोग ने फ़ोटो सेशन की, मस्तियाँ की, एक दूसरों को धक्के वगैरह दिए, सारा कुछ किया। दोस्त हैं हम, और दोस्तों में तो ये चलता है भाई, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग ने ऊपर चढ़ने के लिए अल्लाह अकबर किया, हम लोग बहुत थक चुके थे, और ये बहुत ही जगह ज़्यादा थी मेरे ख्याल से, तो 30 से 40 मिनट्स तो लगते ही थे ऊपर जाते हुए, तो मेरे ख्याल से, लेकिन हो भी सकता है इससे ज़्यादा भी लग सकते थे।
और हम पहुँचे ऊपर, अभी ऊपर भी नहीं पहुँचे अभी तो हम रास्ते में थे, तो रास्ते में से थोड़ा सा हम लोगों ने व्यूज़ वगैरह ले लिए और आप लोगों को थोड़ी सी जगह दिखाई भी कि थोड़ी सी गड़बड़ भी है इधर, आप घिर भी सकते हो, तो थोड़ा आराम आराम से आइएगा, ना के दौड़ कर आइएगा। तो थोड़ा आराम आराम से करते चलते चलते हम ऊपर पहुँचे और ऊपर हमें नज़र आया पाकिस्तान का झंडा। कितना अमेजिंग सा ये फ्लैग लग रहा है ना पाकिस्तान का, मुझे तो बहुत प्यार लगता है पाकिस्तानी फ्लैग। आपको कैसा लगता है आप भी ज़रूर बताइएगा। आई लव माई पाकिस्तान। तो ये देखो कितना अच्छा है पाकिस्तान, और ये क्लाउड्स, माउंटेन्स, हाउ अमेजिंग प्लेस। तो ये इतनी ज़्यादा ग्रीनरी के अंदर एक छोटी सी झील थी जो कि बहुत अच्छी वाइब्स दे रही थी, बहुत अच्छी वाइब्स दे रही थी। वैसे मुझे अकेले में ना बहुत सुकून मिलता है, मुझे ऐसी जगहों ना बहुत ही पसंद है, अकेले में नहीं सबके साथ भी और अकेले में भी, वैसे ही जैसे हम सब रहते हैं। फिर हमने की हॉर्स राइड, हॉर्स राइड करने के बाद बड़ा मज़ा आया और दिल को मिला सुकून। और फिर हम लोग थोड़ी सी मस्ती करने के लिए सब इकट्ठे बैठे और बातें की और फिर हम लोग सो गए, सोने का टाइम होने वाला है हमारा। The next day. और फिर हम नेक्स्ट डे उठे थे सुबह, पहले बार सुबह ही उठना था, कोई दोपहर को तो उठना ही नहीं था। तो हम निकले अपना लजिट गड़ी जो अपना बोरिया बिस्तरा जो भी है, ये थोड़ी अंग्रेज़ी कमज़ोर है आप लोग तो जानते ही हो। फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर हम लोग निकले और ये हमारा होटल जिधर हमने नाइट स्टे किया था नरान कगान में, इधर हम लोग ने अपना नाइट स्टे किया। और फिर हम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बस के ऊपर लाद के हम लोग निकल गए, यानी कि बस के ऊपर डाल के हम लोग निकल गए अपने अगले सफ़र के लिए। चलो चलते हैं ये है हमारा अगला सफ़र। चलो देखते हैं हम किधर पहुंचते हैं। उससे पहले चैनल को काट दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मोमेंट्स भी, आने वाली आपको जगह भी आपको पता चल सके कि पाकिस्तान में क्या क्या मौजूद है। तो ये है बर्फ़, इसे पहाड़ मत समझिएगा, ये बर्फ़ है बर्फ़। तो ये हम पहुँच गए हैं सैफुल मलूक। क्या इधर महलूक्स भी रहती हैं? आई डोंट नो, पता नहीं, नाम सैफुल मलूक है, पता नहीं इधर महलूक्स रहती हैं कि नहीं रहती। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ है, हर जगह पे मौजूद है। तो कितना प्यारा अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बनाया ना, इस पूरी दुनिया को बनाया, तो सोचो जन्नत कैसी होगी। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने ये भी जगह पहली दफ़ा, मैं इधर ना पहली दफ़ा आई थी, तो जब हम जैसे लोग पहली दफ़ा आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वाह यार कितना प्यारा है, हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो ये एक ऐसी जगह थी जिधर सिर्फ बर्फ़ थी, यानी कि ज़मीन के नीचे पानी था और ऊपर बर्फ़ बर्फ़ थी। तो इसके लिए स्टिक्स हमें चाहिए थी और हमें स्नो शूज़ चाहिए थे जाके हम स्नो में पहन सके और हम लोग नीचे ना गिरें और स्टिक की मदद से हम लोग चल सके ताकि इस जगह जगह पे हम लोग देख सके कि नीचे पानी है कि नहीं पानी। तो देखते हैं आगे हमारे साथ क्या होता है। तो हम अपने बहुत ही ध्यान से जा रहे थे, बहुत ही ध्यान से चलते चलते आगे आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाते हैं क्या होने वाला है। तो ये देखना अभी कुछ होने वाला है। ओह नो, समझ गए होगे। तो मैं गिर गई थी नीचे, मेरा दरअसल स्टिक्स कहीं और थी और मेरा पाँव कहीं और था, मेरा ध्यान पीछे था और मैं गिर गई नीचे। और जब मैंने देखा कि मेरा मोए मोए हो गया और सब मुझे देख के हंस रहे थे और फिर सब ने निकाला मुझे और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जाहिर सी बात है बर्फ़ में आया तो ठंड तो लगेगी ही। तो समझ तो गए होगे आप लोग, मैं इतना बहुत ही सियाने हो, समझ गए होगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो चलो समझ गए हो तो आगे चलते हैं। आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मैं ठंड में पानी के अंदर भी गिर गई तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो देखो यार बर्फ़ ही है, कोई पानी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही। उसके बाद सारे मुझे बुला रहे थे कि अब आ जाओ, कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा जो है वो पूरा खुलिया बिगड़ चुका हुआ था, मेरा मोए मोए हो चुका हुआ था। और अब जाहिर सी बात है मैं आराम सुकून से ही चलूँगी, पहले तो मैं बड़ा चाह रही थी आगे आगे होके चल, मैं आगे जाती हूँ तो चल आप तो मैं पीछे ही होके चलूँगी सबसे, ताकि कोई गिरे तो पहले आगे गिरे, मैं तो बाद में ही गिरूँगी क्योंकि मैं एक दफ़ा गिर चुकी हूँ। तो ये है सारा व्यू सैफुल मलूक का, कितना हसीन लग रहा है ना, क्लाउड्स के बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे पास है। और यहाँ मैं स्लाइड्स ली यहाँ पे और फिर हम लोगों ने थोड़ा मज़ा किया, हम लोगों ने बोट ली, बहुत मज़ा आया। इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था, यकीन करो कि बंदा नहाते वक्त और वॉशिंग जाते वक्त क्या हाथ धोते वक्त भी सोचेगा कि हाथ दो कि ना दो। और फिर रात को हम लोग ने किया बोन फायर, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है जब दोस्तों के साथ सब बैठ के बोन फायर करते हैं, तो आई लव इट। तो अगर मेरी थोड़ी सी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, थोड़ी सी गलत गलत हो गई तो आई एम सो सॉरी। फिर हम लोग ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और हम पहुँचे मॉल के अंदर, थोड़ा सा हम लोग ने चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्योंकि जब हम किसी जगह पे घूमने आते हैं ना, सबसे पहले बहन या भाई पूछते हैं क्या लेकर आई हो मेरे लिए, वो ये पूछते बाद में कि क्या हाल है, वो पहले पूछते हैं क्या लेके आई हो। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की ताकि हम सबके लिए कोई छोटी मोटी चीज़ें उठा सकें। यहाँ पे जुड़ली थी, चीनी के
और पत्थर की चीज़ें वगैरह थी जो कि हमें देखनी थी, और कुछ शॉल्स वगैरह कपड़े थे जो उन्होंने बनाए। नेक्स्ट डे 5 hours later. और फिर हमारा हो चुका था नेक्स्ट डे और हम सो गए थे। और व्लॉग उधर ही बहुत बंद हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इस वजह से आगे नहीं बना सकी। तो अगला डे हमारा शुरू हो जाता है, अगला दिन हमारा शुरू होता है। तो चलो देखते हैं अगला दिन हमारा कैसा जाता है। हमने किया ननान कगान से लोलो सूरा, शायद लोलो सूरा ही था उसका सफ़र हम लोगों ने शुरू किया। चलो जो भी था एनिया प्लेसा उन्होंने याद नहीं रह दिया कि उन कितने कितने गए सा, तो शायद लुलु सुरा ही था, है लुलु सुरा ही, लेकिन मुझे नाम नहीं याद, लालू सुरा है कि लुलु सुरा है, तो वो आपको मैं ज़रूर बता दीजिएगा क्या है। तो हम लोग ने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे, और फिर हम लोग नीचे उतर के आपको दिखाते हैं कि नीचे उतरने के बाद क्या व्यू है इधर का। तो चलो उतरते हैं, मेरे ख्याल से तो हम उतर भी चुके हैं, नहीं हम उतरे नहीं, अभी उतर रहे हैं, तो मजाक कर रही हूँ। तो हम नीचे उतर के देखते हैं क्या है। यहाँ पे है सिर्फ सारा का सारा पानी और यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। थोड़ी सी मस्ती वगैरह की और हम लोगों ने थोड़ा सा फ़न किया और दूसरों के पिक्चर्स लिए, दूसरों के साथ बैठ की, सब ने इकट्ठे बैठ के जब बातें की, और सर टीचर ने बैठ के टाइम स्पेंड किया, इकट्ठे सब ने खाना बनाया, इकट्ठे सब ने बैठ के खाया, और सब ने ऐसे अंडरस्टैंडिंग्स पैदा की। बहुत मज़ा आया था हमें, बहुत अच्छा टूर हमारा रहा था। तो आपसे भी मेरी मशवरा है, मेरा गुजारिश तो नहीं, मैं कह सकती आपसे मशवरा है कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और ये क्रिस्टल, इट्स लव इट, आई लव इट क्रिस्टल्स। तो हम सारे बैठ के बातें कर रहे थे और देख रहे थे कि यार वो कितनी अच्छी जगह है ना। और फिर हमारा ऐसे ही सफ़र ये 3 दिन का ख़त्म होता है, और अब आपको दिखाते हैं अपना वापसी का सफ़र। और फिर हमने वापसी में सफ़र तय किया, और वापसी पे जाते वक्त आपको थोड़ा सा और व्यूज़ दिखा देते हैं। फिर हम निकले अपने वापसी के लिए, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ये रात बहुत ज़्यादा हो चुकी। The next day. तो हम निकले हैं 4:55 पे अपनी वापसी पे। तो चलो चलते हैं घर। अब बहुत हो गया, लगता है आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लगता है क्या, इतने आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान बहुत हसीन है, पाकिस्तान बहुत हसीन है, आप देख चुके होंगे। तो चलो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्या होता है। फिर हम लोग ने खाना खाया था, और रात को मैं सो चुकी थी इस वजह से अगला व्लॉग रात का नहीं बना सकी, तो सुबह उठ के व्लॉग बना रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको नहीं लगी तब भी मेरे चैनल को लाइक कर दो, अगर लगी है तब भी लाइक कर दो। तो ये है मेरे ख्याल से इस्लामाबाद, शायद इस्लामाबाद ही है, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ही होगा, क्योंकि मुझे अब इतने प्लेसेस जो है वो याद नहीं रहती, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे है, मैं कौन सी सारी जगहों पे घूमती फिरती। मैं तो पहले दफ़ा यार निकली थी, तो सोचा चलो अंदर का व्यू भी आप लोगों को दिखा दिया जाए, बाहर की व्यू तो मैंने बड़े ज़्यादा दिखाया, चलो बाद के अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। और ये हमारी है फाइनल व्यूज़, हमारा फाइनल पिक्चर्स है, ये हमारी फाइनल वीडियो है। ला 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 ला, ओके बाय बाय, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि कल वाले आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके, और 3 दिन का टूर तो आपको मिल चुका है, कल आने वाली की वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।